उत्तर प्रदेश ने 2017 में अपनी औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति लागू की थी और इसके साथ ही हम लोगों ने प्रदेश में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली जो फ्रेंडली 20 सेक्टोरियल पॉलिसीज को भी हम लोगों ने उद्यमिता इनोवेशन और मेक इन इंडिया की तर्ज पर आगे बढ़ाने का कार्य किया। श्रम, भूमि आवंटन, संपत्ति रजिस्ट्रेशन, पर्यावरणीय अनुमोदन, निरीक्षण, विनियमन, कर भुगतान आदि के क्षेत्रों में रिकॉर्ड 500 से अधिक सुधार हम लोगों ने इस दौरान लागू किए। 40 विभागों के 1400 से अधिक जो कॉम्प्लायंस थे उन्हें हम लोगों ने समाप्त किए। डिजिटल सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्लेटफॉर्म निवेश मित्र के रूप में 29 विभागों की 349 सेवाएं आज इन्वेस्टर्स को यूपी में ऑनलाइन प्राप्त हो सकती हैं। मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी के उद्योगों को आवेदन करने के 15 दिन के भीतर भूमि प्रदान करने का प्रावधान भी हम लोगों ने इस व्यवस्था के साथ लागू किया और साथ ही साथ प्रदेश में हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के अंदर जो निवेश फ्रेंडली माहौल बनाने, कानून व्यवस्था को बेहतर करने, परंपरागत उद्यम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाने का जो कार्य किया, 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को हम लोगों ने प्रदेश में निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में मदद करने में भी सफलता प्राप्त की और केंद्र और राज्य सरकार की जो विभिन्न प्रकार की उन योजनाओं से जो आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करती हैं, 60,00,000 ऐसे हमने परंपरागत उद्यमियों को भी इस योजना के साथ जोड़ा तो 5,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी भी हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई और इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वह 18% से घटकर के 2.9% रह गई है।